हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉकेट। सो जाएंगो कि इस वीडियो में हम अपनी सर्च फंक्शनलिटी को बनाएंगे कि कैसे हम किसी भी पोस्ट को अपने सर्च कर सकते हैं। ठीक है, आप देखते हो गूगल पे से डालते हो कि जाएंगो क्या है, तो वो सर्च करके दे देता है कि जाएंगो क्या है। ठीक है, तो वैसे हम अपने ब्लॉग पोस्ट को सर्च करेंगे सर्च बटन की हेल्प से। ठीक है, तो पहले मैं दिखा दूं कि अपन ने क्या क्या कर रखा है अभी तक। तो मैंने अपना सर्वर ऑन कर रखा है, अब बस मुझे इसे क्रोम पर खोलना है। ठीक है, तो मैं इसे खोल लेता हूँ। तो ये अभी तक हमने काम करा, ये सर्च पे हमें लगाना, भी सर्च बटन पे काम करेंगे अपन। ठीक है, और ये हमने पेजिनेशन पिछले वीडियो में लगाया था। ठीक है, तो चलो फिर सर्च पे काम करते हैं। तो ब्लॉग के अंदर में जाएंगे एंड पहले पहले एक यूआरएल बनाएंगे हम। ठीक है, तो यूआरएल बना लेते हैं, सेम कॉपी पेस्ट करेंगे यहाँ पे, केवल कर देंगे अपन सर्च स्लैश। ठीक है, और एक फंक्शन बनाएंगे व्यूज डॉट सर्च के नाम से। ठीक है, व्यूज डॉट सर्च, एंड एक बनाएंगे व्यूज डॉट कॉन्टैक्ट, स्लैश की जरूरत नहीं है, एंड नेम इज इक्वल्स टू हो जाएगा सर्च। ठीक है, सेव करता हूँ इसे, और अब बनाएंगे व्यूज। तो व्यूज में चलते हैं और एक फंक्शन बनाता हूँ मैं यहाँ पे, डेफ सर्च नाम से। इसमें जाएगा रिक्वेस्ट, ठीक है, रिक्वेस्ट जाएगा, एंड अब क्या करेंगे, कुछ वेरिएबल्स अपन डिफाइन करेंगे। एक क्वेरी डिफाइन करता हूँ, ठीक है, क्वेरी जो हम डालेंगे वो होगा रिक्वेस्ट डॉट गेट, रिक्वेस्ट डॉट गेट, ये हो जाएगा क्वेरी। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेरी। दूसरा चीज़ हम क्या करेंगे कि चेक करेंगे, एक कंडीशन लगाएंगे चेक करने के लिए कि अगर क्वेरी की लेंथ, इफ लेंथ ऑफ क्वेरी, इफ लेंथ ऑफ क्वेरी लेट्स से ग्रेटर देन, अगर 50 में कर देता हूँ, ठीक है, अगर ग्रेटर देन 50 है तो क्या करना कि ऑल पोस्ट, नहीं ऑल पोस्ट नहीं, हमने क्या बोला, पोस्ट पोस्ट इज इक्वल्स टू पोस्ट डॉट ऑब्जेक्ट डॉट नन। ठीक है, कुछ नहीं दिखाएगा अगर ज़्यादा बड़ी क्वेरी कोई डाल देगा तो। ठीक है, मतलब कोई खूब फालतू में बहुत कुछ लिख दिया उन्होंने। ठीक है, और एल्स में क्या करेंगे कि पोस्ट इज इक्वल टू, एक फिल्टर लगाएंगे। ठीक है, तो पोस्ट डॉट ऑब्जेक्ट डॉट फिल्टर। ठीक है, एंड पहले अपन क्या करते थे कि सिंपली टाइटल आई कंटेंस इज इक्वल्स टू क्वेरी लिख लेते थे तो उसे आ जाता था, बट अभी ऐसा नहीं है, जेंगो ने थोड़ा अपडेट कर दिया। तो अपन को एक क्यू लगाना पड़ेगा क्वेरी के लिए, क्यू ब्रैकेट में लिखेंगे टाइटल अंडर स्कोर आई कंटेंस इज इक्वल्स टू क्वेरी। ठीक है, तो ये टाइटल के लिए हो गया हमारा। सेम बनाएंगे और कंडीशन लगाएंगे, या अगर किसी ने टाइटल डाला, या ठीक है दूसरा क्या है कि किसी ने कंटेंट में से कुछ उठा करके डाला, तो मैं सेम चीज़ कॉपी करूंगा यहाँ पे क्यू वाला, कंट्रोल सी, एंड यहाँ पे वापस पेस्ट करूंगा। यहाँ पे क्यू टाइटल की जगह कर दूंगा मैं कंटेंट, कंटेंट। ठीक है, और तीसरा क्या, तीसरा नहीं, अभी केवल टाइटल और कंटेंट के नाम से, बाद में ऑथर वगैरह भी अपन डाल सकते हैं। ठीक है, अभी ये कर दिया हमने, और अब हमें वो बनाना पड़ेगा, एक कॉन्टेक्स्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्योंकि वेरिएबल्स हमने बनाए तो कॉन्टेक्स्ट को चलो परम्स नाम दे दिया मैंने, परम्स इज इक्वल्स टू कर दिया हमने। एक तो बनेगा पोस्ट्स का, पोस्ट्स पोस्ट्स, और दूसरा बनेगा हमारा क्वेरी का, क्वेरी क्वेरी क्वेरी। कोई भी वेरिएबल अगर बनाते हो तो हमें कॉन्टेक्स्ट बनाना पड़ेगा। लेट वहाँ ये, इस केस में मैंने कॉन्टेक्स्ट का नाम परम्स रखा है, और हमें अपना पेज को रिटर्न करना है, रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट और ब्लॉग स्लैश, हाँ गलत हो गया ना, ब्लॉग स्लैश सर्च डॉट एच टी एम एल, और अपना कॉन्टेक्स्ट पास करा देना। अभी ये कह रहा है कि क्यू मैंने इंपोर्ट नहीं करा, तो मुझे जेंगो का क्यू इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा फ्रॉम जेंगो डॉट, किसे इंपोर्ट करते थे, फ्रॉम जेंगो डॉट कॉन्फ शायद, मैं चेक करता हूँ एक बार, भूल गया हूँ मैं,
इम्पोर्ट तो हम यहाँ से करते हैं फ्रॉम जेंगो डॉट डी बी डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट क्यूब, ठीक है, फ्रॉम जेंगो डॉट डी बी डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट क्यूब। अब एरर चला गया, व्यूज हमने बना लिया, ठीक है। अभी हमें क्या करना है कि हमें बनाना है अपना वो पेज बनाना है, ठीक है। तो चलो भाई पेज बना लेते हैं अपना सर्च डॉट एच टी एम एल। टेम्पलेट्स के अंदर में जाएंगे, ब्लॉग के अंदर में एक पेज बनाएंगे अपन, न्यू फाइल, ये हो जाएगा सर्च डॉट एच टी एम एल। और ये हमारा डिट टू डिटेल वाला का कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। डिटेल वाले कहाँ, नहीं डिटेल नहीं, इंडेक्स को कॉपी करता हूँ, बताता हूँ क्यों। कंट्रोल ए कंट्रोल सी एंड यहाँ हटा देता हूँ, कंट्रोल वी एंड ये हटा देता हूँ मैं, ये कंटेनर, कंटेनर एक बार पहले फॉर्मेट कर दूँ, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ठीक है। और ये पूरा हटा देता हूँ मैं, ठीक है। अभी ये पोस्ट सारे आएंगे यहाँ पे, ये पेजिनेशन की ज़रूरत तो नहीं है मेरे ख्याल से, ठीक है। पेजिनेशन हटा देता हूँ, फुटर रहने तो चलो ठीक है। अभी एक काम ये है कि मैंने ये तो कर लिया ना, अगर सपोज, और एक यहाँ पे क्या करता है, इस कंटेनर के अंदर मैं एक डालता हूँ H2, तो ये हो जाएगा सर्च रिजल्ट्स, ठीक है। सर्च रिजल्ट्स हो गया H2 के अंदर। अब एक कंडीशन ये चेक करते हैं कि इफ ऑल पोस्ट लेंथ, ऑफ ऑल पोस्ट की लेंथ, इफ कंडीशन पे लगाया हमने कि इफ पोस्ट की लेंथ लेंथ अगर लेस देन वन है, लेस देन वन, तो क्या करो, तो तुम बोल दो कुछ ऐसे, गूगल वाला उठा लेता हूँ, ठीक है, दिखाता हूँ क्या। अगर गूगल पे ऐसे रद्दी सा कुछ भी ऐसे सर्च करोगे ना, तो वो नहीं देता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो उठा लेते हैं, ठीक है। नहीं इसमें तो दे दिया, इसने कंट्रोल सी, अब नहीं देगा, वाह अब भी दे रहा है। तो क्या सर्च करूँ, चलो यही करके देखता हूँ यार, अब भी दे रहा है तो कुछ फालतू तो समझ आ, चलो हटाओ, खुद से लिख लेते हैं यार। तो इसमें एक पी टैग यूज़ करता हूँ, सॉरी एक पी टैग यूज़ करता हूँ एंड उस पी टैग में लिख देता हूँ कि नो सर्च रिजल्ट्स, ठीक है, नो सर्च रिजल्ट्स फाउंड, सर्च रिजल्ट, ठीक है। ये हो गया हमारा। और अगला ये स्लैश भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगला मुझे यूज़ करना पड़ेगा कि योर सर्च क्वेरी, योर सर्च क्वेरी क्वेरी, ठीक है, रिसर्च क्वेरी क्वेरी डिड नॉट मैच एनी डॉक्यूमेंट्स, गूगल पे ऐसे बोलता है अपन को, डिड नॉट मैच एनी डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, डिड नॉट मैच एनी डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे लगा देते हैं एक वी आर टैग एंड देन लगाते हैं एक सजेशंस, सजेशंस फिर जाएगा एक यूएल टैग, उसके अंदर जाएगा एल आई टैग, और उस एल आई में मेक श्योर दैट ऑल वर्ड्स आर स्पेल्ड करेक्टली, ऑल वर्ड्स आर स्पेल्ड करेक्टली, ठीक है। एक ये हो गया। अगला ट्राई डिफरेंट कीवर्ड्स, ट्राई डिफरेंट कीवर्ड्स, और एक और लगा देते हैं कि ट्राई मोर जनरल कीवर्ड्स, ट्राई मोर जनरल कीवर्ड्स, ठीक है। ये इतना काम कर लिया हमने एंड इफ कंडीशंस के अंदर में। अगला ये है कि अगर ये नहीं है तो हमें क्या दे दो तुम, फॉर ये पोस्ट को वापस से दिखा दो तुम, ठीक है, फॉर पोस्ट इन पोस्ट करके सारा कुछ वापस से हमें दिखा दो, ठीक है। बाकी तो कुछ इसमें चेंज करना है नहीं, ठीक है, इसे सेव करते हैं। एंड अभी क्या करना है, मैंने पेज ही बना दिया, अब जो अपना होम पेज है ना, उसमें जो हमारा सर्च बटन है कहाँ गया, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल नहीं, बेस डॉट एच टी एम एल में सर्च 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 ये है,
ये फॉर्म बना रखा है ना सर्च का, ठीक है। तब यहाँ पे मुझे एक सिंपल बटन भी इंपोर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो बटन लगा लेता हूँ मैं, और बस कुछ नहीं करना, बस चेंजेस ये करने की फॉर्म का जो मेथड है ना वो गेट लगाना है मुझे। फॉर्म मेथड इज इक्वल्स टू गेट, ठीक है। एक ये हो गया फॉर्म मेथड इज इक्वल्स टू गेट, और एक्शन इज इक्वल्स टू कर देना है मैंने सर्च स्लैश, नहीं स्लैश सर्च, हाँ स्लैश सर्च होगा, स्लैश सर्च, ठीक है। बाकी ये तो क्लास तो ठीक है इसकी, और कुछ तो करना है नहीं इसमें। जो इनपुट क्लास है ना हमारा, ये इनपुट इसका क्लास हमारा फॉर्म कंट्रोल रहने तो ठीक है। ये टाइप इज इक्वल्स टू सर्च भी सही है, प्लेस होल्डर भी ठीक है, एरिया लेबल भी सही है, ठीक है। इसमें नेम मुझे ऐड करना पड़ेगा, क्वेरी बताता हूँ क्या है ये। नेम इज इक्वल्स टू क्वेरी, और मुझे देना पड़ेगा आईडी भी, क्वेरी आईडी इज इक्वल्स टू क्वेरी, ठीक है। और एक बटन डाल देता हूँ इसमें, बटन स्लैश बटन, ठीक है। और बटन की क्लास क्या होगी, क्लास इज इक्वल्स टू दे देता हूँ btn, btn आउटलाइन, btn btn आउटलाइन, और दे देते हैं सक्सेस सक्सेस, और मार्जिन दे देता हूँ 2 की, वाई में मार्जिन देता हूँ वाई में 2 की, और SM0 फाई में जो SM0 और एक्स में दे दिया मार्जिन 2 की। भाई बटन के अंदर पे टाइप इज इक्वल्स टू कर दिया मैंने सबमिट, टाइप इज इक्वल्स टू हो गया सबमिट, और सर्च यहाँ लिख देता हूँ सर्च, ठीक है। अब एक बार ज़रा यूज़ करके देखते हैं, इसे रीलोड करते हैं, ये ठीक है थोड़ा हिल गया, इसे सही कर देंगे अभी। अभी अगर मैं कुछ सर्च करूँ, क्या सर्च करूँ, फर्स्ट FIRST, फर्स्ट एरर है, टाइप ऑब्जेक्ट पोस्ट हैज नो एट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट, ठीक है। पोस्ट डॉट ऑब्जेक्ट देखता हूँ ये क्या एरर है, ये एरर आया हमारा, टाइप ऑब्जेक्ट पोस्ट हैज नो एट्रीब्यूट एरर, ठीक है। तो व्यूज में आया ये कि सर्च में ये पोस्ट ऑब्जेक्ट डॉट फिल्टर क्यू टाइटल कंटेंस, ठीक है। तो वो एरर इसलिए आ रहा था क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट यूज़ करा है, जबकि यहाँ पे होना चाहिए ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। सेव करता हूँ, सॉरी सेव करता हूँ इसे वापस से, एंड वापस इसे रीलोड करते हैं। अब क्या दे रहा है कि कुड नॉट पार्स द रिमाइंडर लेस देन 1 फ्रॉम 1, ओके ठीक है। तो इसे कुछ और कर देता हूँ, लेस देन 5, तो कभी कभी ये भी दिक्कत दे जाता है, ये पार्स करने का ये बोल रहा है कि एक स्पेस दो यहाँ पे, ठीक है। अब सही है मेरे ख्याल से सब कुछ, गूगल पे भी सर्च करना पड़ जा रहा है यार, ठीक है। ये देखो सर्च कर दिया इसने माय फर्स्ट ब्लॉग, इसको रीड कर लो, ठीक है। एक बार और चेक करके देखते हैं, सेकंड सर्च करते हैं इस बार, सेकंड सर्च करो, ये सेकंड ब्लॉग पोस्ट आ गया। ये काम करता हूँ बटन को, बटन को क्या करें, बटन को क्या करें समझ नहीं आ रहा। चलो ठीक है, बटन को तो फिक्स कर दूंगा मैं, या तो लॉगिन या साइन अप का हटा देता हूँ, कुछ कुछ करते हैं, ठीक है। बेस बेस में ये बटन क्यों आ रही है, एक तो ये, तो या तो ये हटा ही दूँ, ये पूरा हटा दूँ क्या, सेव करके देखता हूँ क्या हुआ? नहीं, ZMB3 MB लार्ज 0, MB लार्ज 3 नहीं, MB नहीं सी हो रहा। एक काम करता हूँ यहाँ पे, मैं क्या करता हूँ,
सिंपल सा मैं एमवाइट एक काम करना, डी फ्लेक्स यूज करके देखता हूँ। डी फ्लेक्स फ्लेक्स अब हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ बट ये मार्जिन वगैरह देनी पड़ेगी, तो इसमें वाई में मार्जिन देता हूँ 2 की मार्जिन M/2। ठीक है, अब थोड़ा सा और आएगा मेरे ख्याल से। MB3 हटा देता हूँ या MB हटा ही देता हूँ। अब ठीक है, अब सारे लाइन में आ गए, सर्च भी काम कर रहा है। अगर मैं कुछ फालतू से सर्च करूँगा तो ये दे देगा। ठीक है, नाइस, अच्छा लग रहा है सर्च रिजल्ट। ठीक है, तो ये सर्च रिजल्ट आपने कर लिया। इस वीडियो में हमने सर्च रिजल्ट पे काम करना था, तो ये हो गया। ठीक है, आपने सर्च रिजल्ट एक बार समझा भी देता हूँ क्या करा हमने। देखो, एक फॉर्म बनाया जहाँ पे मैंने एक्शन ले लिया सर्च का। यहाँ पे ही वायरल भी डाल सकते हो, नो इशू। ठीक है, और आपने उसका मेथड रखा गेट। ठीक है, अब क्या है कि सर्च वाले एरिया में मैंने नेम डाला क्वेरी और आईडी भी डाली क्वेरी। अब मैं जो डाल रहा हूँ वो क्वेरी में सेव हो रहा है। ठीक है, तो मैं गया अपने व्यूज़ में, एंड व्यूज़ में देखो क्वेरी बनाया मैंने, गेट कर लिया। यहाँ पे एक क्वेरी वेरिएबल के अंदर मैं रिक्वेस्ट डॉट गेट करा। अगर 50 से ज़्यादा है तो कुछ नहीं दिखाएगा ये, अगर अदरवाइज ये पोस्ट का जो मॉडल बनाया था उस उनके सारे ऑब्जेक्ट्स में फिल्टर करेगा कि टाइटल में अगर है वो क्वेरी तो वो दे दो, या ये और सिंबल है, या अगर कंटेंट में है तो वो रिटर्न कर दो। और ये कॉन्टेक्स्ट के थ्रू मैंने रिटर्न करा लिया अपने टेम्पलेट में। और ये टेम्पलेट में क्या बोलता है, ये टेम्पलेट मैंने पहले एक इफ कंडीशन लगा के चेक करी कि अगर लेस देन 1 अगर आया तो ये सब फालतू दे देगा, मतलब कि कुछ नहीं मिला कोई दूसरा ढूंढो, या फिर वापस पुराना वाला कि फॉर लूप में चेक करेंगे कि इस पोस्ट के अंदर में ये पोस्ट है तो ये सारे उसके कंटेंट को दिखा दो। ठीक है, ये था हमारा सर्च का कमाल। अगले वीडियो में मे भी हम वो चेक करेंगे कि जो एडमिन साइड पे अपन रिच टेक्स्ट एडिटर कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, एंड उसके बाद लॉग इन साइन अप वगैरह देखेंगे। ठीक है, तो अगर इस वीडियो में कोई दिक्कत आई हो तो हाँ कमेंट करके बता सकते हो। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करो, शेयर करो इस प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों के साथ, एंड हाँ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो। एंड सोर्स कोड आपको गिटहब के थ्रू नीचे कमेंट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड हाँ, तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए टाटा बाय।